नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल हम लोग पढ़ रहे थे खाद्य पदार्थों का संरक्षण एवं मिलावट, ठीक है, तो उसी में हम लोग आज पढ़ेंगे खाद्य पदार्थों के संरक्षण की हमें आवश्यकता क्यों होती है, आखिर क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें भोजन को संरक्षण अथवा परिरक्षण करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक इस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहला और मुख्य कारण ये होता है कि भोज्य पदार्थों को हम साल भर यूज कर सके, इसके लिए हमें भोज्य पदार्थों को संरक्षण करने की आवश्यकता होती है ताकि वो वर्ष भर हमारा चले। जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये सभी क्या है, ये दालें हो गई, ये सभी ऐसे फसलें हैं जिनको अगर एक बार हम स्टोर कर लेते हैं अच्छे से तो वो साल भर हमारा उपलब्ध रहेगा, ठीक है, खाने के लिए रहेगा, वो खराब नहीं होगा। ठीक, पोषण मूल्य में बढ़ोतरी के लिए, पोषण मूल्य में कुछ भोज्य पदार्थ हमारे ऐसे होते हैं जिनका परिरक्षण अगर हम करते हैं तो वो जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं उनकी जो पोषक वैल्यू होती है वो बढ़ती जाती है। जैसे गेहूं, अभी जैसे मान लीजिए आप लोग किसान अगर होंगे तो पूछिएगा कि जो नया गेहूं होता है उसे लोग रख लेते हैं और पुराने गेहूं को लोग यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि पुराने गेहूं में पोषक मूल्य ज़्यादा होता है और वो आसानी से पच जाता है और जो नया गेहूं होता है वो अभी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उससे हमें पेट से संबंधित दिक्कतें आने लगती हैं, तो इसलिए उसको रखते हैं लोग और पुराने को यूज करते हैं जहाँ तक संभव होता है। ठीक, इसी तरह से कहा जाता है कि अगर आंवले का मुरब्बा है तो जितना ये पुराना होता है उसका पोषक वैल्यू बढ़ता जाता है। ठीक, अचार बनाते हैं लोग और भी चीज़ें बनाते हैं लोग तो उसको उसका जो वैल्यू होता है, सिरका हो गया, जैसे गन्ने के जूस का लोग सिरका बनाते हैं, ये भी तो भोज्य पदार्थों के संरक्षण में ही आता है, तो वो जितना ज़्यादा पुराना होता है उतना ही ज़्यादा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे पोषण के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो उसको पोषण मूल्य की बढ़ोतरी के लिए भी खाद्य पदार्थों के संरक्षण की हमें आवश्यकता होती है। दैनिक आहार में विविधता लाना, अब आप ही बताइए क्या रोज एक ही खाना खाना हमें अच्छा लगता है, नहीं लगता है, तो हम क्या करें, तो हमें अपने भोजन में विविधता लाना है। अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो हमें 7 दिन 7 तरह के खाना खाना है, तो उसके लिए भी जब हम भोज्य पदार्थों का संरक्षण करेंगे तो कम बजट में अच्छा खाना खा सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें क्या है, जैसे मान लीजिए अगर मटर को हमने स्टोर करके रखा है, राजमा रखा है, ठीक, फिर हमने चना रखा है, तो इस तरह से क्या करना है, हमें बदल बदल करके हम डिश को बना सकते हैं। रोज दाल चावल रोटी साग नहीं खा सकते, ठीक है, तो किसी दिन दाल चावल रोटी सब्जी हो गया, किसी दिन छोले हो गए, किसी दिन राजमा हो गए, किसी दिन कुछ हो गया, किसी दिन, इस तरह से हमारे भोजन में विविधता भी रहेगी, पौष्टिकता भी रहेगी और हमें अच्छा लगेगा। तो ये हो गया हमारा दैनिक आहार में विविधता। ठीक है, भोज्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाना, जैसे मान लीजिए हमारे खेतों में भोजन जो भोज्य पदार्थ हैं वो ढेर सारे मात्रा में उगते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए गेहूं हुआ, दाल हुई, ये सब भोज्य पदार्थ खूब ढेर सारे मात्रा में एक ही साथ उगते हैं, तो उसको ना तो एक महीने में खा के खत्म करना पॉसिबल है ना ही एक दिन में। ठीक है, तो वो सुरक्षित रहे, नष्ट ना हो, इसको इससे बचाने के लिए भी हमें भोज्य पदार्थों को संरक्षण करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हर महीने नहीं उगते हैं, मौसम के अनुसार उगते हैं, हर 6 महीने में उगते हैं, तो इसके उसको संरक्षण करने के लिए, जैसे मान लीजिए गन्ना एक फसली है, ठीक है, वो वर्ष भर में एक ही बार उसको काटा जाएगा, उससे तैयार किया जाएगा गुड़, तो गुड़ उसको संरक्षण करने के लिए गुड़ को बना करके लोग रखते हैं। ठीक है, फिर गेहूँ हो गया, ठीक, तो उसको भी एक दिन में तो खत्म होगा नहीं, तो उसको सुखा करके डिब्बे में रखा जाता है। दालें हो गई, दालों को सुखा करके रखा जाता है, तो ये जितनी भी फलियां हैं, दलियां हैं, इन सबको सुखा करके वर्ष भर के लिए स्टोर करके रखा जाता है, तो वो वेस्ट भी नहीं होती हैं, खराब भी नहीं होती हैं और वो हमारे जीवन में काम भी आती रहती हैं। तो भोज्य पदार्थ क्या है, नष्ट होने से बच जाते हैं, आर्थिक बचत में सहायक, और इस तरह से हम अपने जो आर्थिक बचत है हमारी उसमें सहायक मिलती है, सहायता मिलती है। जैसे मान लीजिए गेहूं और चावल का ही हम उदाहरण लेंगे, अगर उसको मौसम के अनुसार खरीदा जाए, जैसे अभी गेहूं की कटाई हुई है, इस समय गेहूं की खरीदारी हम वर्ष भर के लिए करते हैं, तो हमारे आर्थिक बजट में रहेगा क्योंकि इस समय उसका मूल्य गिरा हुआ होगा, लेकिन जब वही अगर हम चावल इस समय खरीदेंगे तो उसका मूल्य बढ़ा हुआ होगा, क्यों,
क्योंकि अभी चावल का सीजन नहीं है, तो चावल का मूल्य बढ़ा हुआ होगा और गेहूं का मूल्य गिरा हुआ होगा। लेकिन जब चावल के सीजन में चावल खरीदेंगे तो क्या होगा, उसका मूल्य गिरा हुआ होगा, गेहूं का मूल्य ऊपर होगा। ठीक, तो इस तरह से हम आर्थिक बचत के लिए भी भोज्य पदार्थों का संरक्षण करते हैं। ठीक है, पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए। और जब हम भोज्य पदार्थों का संरक्षण करते हैं तो हम अपने दैनिक आहार में बदल बदल के डिशों को बनाते हैं, खानों को बनाते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा पोषण स्तर में सुधार रहता है। और जैसे मान लीजिए हमने आंवले का मुरब्बा बना दिया, तो वो हम वर्ष भर खा रहे हैं, तो हमारा क्या है, पोषण हमको मिल रहा है, विटामिन सी हमको भरपूर मात्रा में साल भर मिल रही है। ठीक, नींबू का अचार बना लिया, तो इससे मिल रहा है हमें पोषक तत्व भी मिल जा रहा है, हमारा भोज्य पदार्थों का संरक्षण भी हो जा रहा है, वो खराब भी नहीं हो रहे हैं, नष्ट होने से भी बच जा रहे हैं। ठीक है, और आपातकाल स्थिति में, ठीक, मान लीजिए अगर गेहूं की फसल है, ठीक, खूब खेत में लहलहा रही है, लेकिन किसी कारणवश अगर उस फसल में आग लग गई, ठीक, तो वो खेतों में पूरा नष्ट हो गया। अब क्या होगा कि जो किसान होगा वो अपना पेट कैसे भरेगा, जो उसके घर में पहले से संरक्षण करके रखा गया होगा उसी को तो यूज करेगा, नहीं तो वो फिर खरीदेगा, और खरीदेगा तो वो अधिक मूल्य में बिकेगा, मिलेगा उसको। ठीक, तो इस तरह से क्या है, उसके आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन जब वो पहले से स्टोर करके रखा रहेगा, तो जैसे मान लीजिए अगर सूखा पड़ जाए, आग लग जाए, ठीक, बाढ़ आ जाए, इन सभी स्थिति एवं परिस्थिति से बचने के लिए, आपातकाल स्थिति से बचने के लिए हमें भोज्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे चावल के सीजन में बाढ़ आ जाता है, बहुत सारे किसानों की चावल की खेती नहीं हो पाती है, तो इससे क्या होगा कि कभी कभी नहीं भी आती है, ठीक, तो वो पहले से जो स्टोर करके रखे रहते हैं उसी से उनका काम चलता है साल भर, तो इसके लिए भी वो भोज्य पदार्थों के परिरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, यात्रा प्रवास हेतु कहीं आप जा रहे हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, ठीक है, बहुत लंबे लंबे तीर्थ स्थलों पर, तो वहाँ भी हमें भोज्य पदार्थों की क्या होती है, संरक्षण करके अगर हम रखते हैं तो बहुत काम आते हैं। जैसे चूड़ा हो गया, सत्तू हो गया, ठीक है, भुजा हो गया, चिप्स हो गए, पापड़ हो गए, इन स्नैक्स हो गए, इन सब चीज़ों को अगर हम बना करके रखते हैं तो हमारे यात्रा और प्रवास के समय काम आते हैं। ठीक, रुचिकर बनाने हेतु, जैसे हम रोज एक ही भोजन अगर खाएंगे तो नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन अगर किसी दिन हमने छोले खा लिए, किसी दिन राजमा खा लिए, किसी दिन सोयाबीन की सब्जी खा ली, किसी दिन साग खा ली, किसी दिन आलू खा ली, किसी दिन गोभी खा ली, तो क्या होगा, भोजन में विविधता भी रहेगी, रुचिकर भी लगेगा, और हमें हमारा पोषक तत्व भी प्राप्त होता रहेगा, तो इसलिए भी हमें भोज्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, समय की बचत, रेडी टू ईट, जल्दी से तैयार हो जाने वाला भोज्य पदार्थ। मान लीजिए हम यात्रा प्रवास के लिए निकले हैं, ठीक है, तो हमारे पास ऐसे भोज्य पदार्थ रहने चाहिए जिसको हम तुरंत तैयार करें और खा लें, और हमारा पोषक तत्व तो हमें मिल जाए, पेट भर जाए आराम से। ठीक है, तो इसके लिए हम उन्हीं सब चीज़ों को अपने पास रखते हैं। जो अब ऐसा तो है ना कि हर जगह हम गैस चूल्हा लेके जाएंगे, हर जगह हम लकड़ी लेके जाएंगे चूल्हे पे खाना बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। पहले के लोग महीनों महीनों तक जाते थे यात्रा प्रवास के लिए, तो यही सब ले जाते थे, जैसे चूड़ा हो गया, सत्तू, गर्मी के मौसम में अगर जा रहे हैं तो सत्तू ले लेते हैं, भुजा ले लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, चूड़े को भिगो लेते हैं, चीनी, गुड़, नमक जो भी डालना होता है डाल लेते हैं, आराम से खा लेते हैं, या फिर दही डाल के खा लेते हैं, पेट भी भर गया, पोषक तत्व भी मिल गया। ठीक, इसी तरह से जो सत्तू होता है उसका घोल बना लेते हैं, या फिर आटे की तरह गूंद के खा लेते हैं, तो इस तरह से उनको पोषक तत्व, क्योंकि जो सत्तू होता है उसमें बहुत सत्व तत्व मिल करके बनाए होते हैं, जैसे बाजरा हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों के साथ अनाजों को मिला करके सत्तू बनाया जाता है। ठीक, तो वो हमारे पोषक वैल्यू को बढ़ाता ही तो है, कहीं से हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक, वो जल्दी से तैयार भी हो जाता है, तो यात्रा में सबसे सुलभ और अच्छा माना जाने वाला खाना है ये। ठीक है, तो समय की बचत के लिए भी हमें क्या होता है, भोज्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता होती। अब हम देखेंगे कि खाद्य परिरक्षण की मुख्य कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो खाद्य परिरक्षण की मुख्य चार विधियां होती हैं, आरोगूढ़ता विधि, ठीक, भौतिक विधि, रासायनिक विधि, और किण्वन या खमीरीकरण विधि। अब हम जानेंगे कि आरोगूढ़ता विधि क्या होती है। आरोगूढ़ता विधि का स्पष्ट रूप से यही मतलब है कि जिस खाद्य पदार्थों को पूरी तरह से रोगाणु से
रोगाणु से मुक्त करके रखा जाए। ठीक, तो इसको मुख्य रूप से दो प्रकार से रखा जाता है। जैसे भोज्य पदार्थों में जो आरोगाणुता विधि होती है उसमें ये किया जाता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं वो उन जीवों को पूरी तरह से रोकना, यानी कि वो प्रवेश ना कर पाए, तो इसके लिए हम इस विधि को हम क्या कहते हैं, आरोगाणुता विधि कहते हैं, जिसमें जिन भोज्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करने से बिल्कुल रोक दिया जाता है। ठीक, तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन उसको हम माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें वायु का विलोपन करके, यानी कि वायु अंदर पूरी तरह से प्रवेश न करे, वायु का विलोपन करके उस भोज्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। ठीक, वायु का विलोपन जिसको हम लोग एनारोबिक कंडीशन कहते हैं, एनारोबिक कंडीशन वो होता है जिसमें वायु डब्बे में प्रवेश ना करे, तो इस विधि से हम जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, शरबत, मार्मलेड इत्यादि को सुरक्षित रखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हमारे यहाँ प्राचीन समय से बनता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी ये सब, अब तो नई नई डिशें बनती हैं ना, जैसे जैम हुआ, जेली हुआ, मार्मलेड हुआ, ठीक है, शरबत हुए, ये सब चीज़ें, लेकिन पहले भी हमारी दादी नानी के ज़माने से बनता आ रहा है, जैसे अचार, मुरब्बा, इन सब चीज़ों को वो लोग क्या करती थी, कस करके डब्बे में बंद करके रखती थी ताकि बाहर की वायु और नमी उस डब्बे के अंदर प्रवेश ना करे, और इस तरह से अचार मुरब्बा जो है वो साल दो साल तक आराम से चलते थे। ठीक है, तो ये आरोगाणुता विधि है जिसमें सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करने से रोकता है।